दर्शकों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। वाराणसी की बलात्कार धमकी की पीड़िता एक हिंदू बेटी आज क्यों रो रही है, खबर के बारे में भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र में पीएम मोदी की और यूपी में सीएम योगी की डंका बज रही है और उन डंका में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। पुलिस के द्वारा जा करके स्कूलों में आसपास महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति परेशान करे तो आवाज उठाएं, लेकिन यदि कोई महिला पुलिस प्रशासन के चक्कर में आकर अपनी आवाज उठा रही है तो पुलिस आज उसे प्रताड़ित कर रही है, उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पीड़ित महिला कह रही है। आज वाराणसी की बेटी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कहां गया योगी आदित्यनाथ की बेटियों को बचाने की गारंटी? कहां गई योगी की वो बड़ी बड़ी बातें जो कहते थे कि योगी यदि बेटियों को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे काल उनका इंतजार करेगा। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें, वाराणसी की एक हिंदू बेटी आज रो रही है। आखिर रोशनी जायसवाल का क्या गुनाह था? बलात्कार की धमकी देने वाले सफरोन राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाना क्यों पड़ा भारी? पिछले 40 दिनों से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य लोग सदस्य जेल में हैं। रोशनी पर गिरफ्तारी का संकट है। रोशनी के घर कुर्की का आदेश दे दिया गया है। रोशनी जायसवाल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो 4 सालों तक सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले वाराणसी निवासी राजेश सिंह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं के आदेश पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लाद दिया गया और पिछले 40 दिनों से रोशनी अपने एक बच्चे के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं और घर से गायब हैं, सोशल मीडिया पे आकर के रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर उनकी क्या गुनाह है? आज उनकी वह गिड़गिड़ाहट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो आप सभी के बीच उनकी वायरल हुई वीडियो लेकर के आए हैं। सुने, देखें और सच क्या है जानने का प्रयास करें। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरोन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन कि अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूं और मैं
हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा, और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है, और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी है अंदर है, और मेरा भाई जिस जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है, और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर है उनकी क्या गलती थी। और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ, और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।